अरे वृद्धि मैडम, आप यहाँ खुद क्यों चली आई? मैं विन भैया का सामान बाहर ला ही रहा था। मुझे आंटी जी ने कहा है कि मैं खुद ये सब चेक करूं। वैसे बड़े गुस्से वाले हैं तुम्हारे विन भैया। अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, हमारे विन भैया अपने हिसाब के हैं। अच्छा रघु, एक बात बताओ, तुम्हारे विन भैया ऐसा क्या करते हैं कि उनकी कोई भी असिस्टेंट ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती? अब क्या बताऊं मैडम, हमारे विन भैया थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, या तो फिर वो बात ही नहीं करते या फिर डांटते हैं। आधी से ज्यादा असिस्टेंट तो उनके कमरे में जाने की वजह से निकाली जा चुकी हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या उस कमरे में? रघु, ए रघु, मैंने तुम्हें मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए कहा था ना, तुम मेरा काम छोड़कर यहाँ गप्पे हाँक रहे हो, हाँ? अरे नहीं प्राची भाभी, मैं तो आपके लिए कॉफी। ओ जस्ट शट अप, तुम नौकरों को ना सिर्फ गप्पे हाँकने का मौका चाहिए। अच्छा भाभी, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। वैसे भाभी, ये विन भैया की नई असिस्टेंट है जो ज्यादा दिनों तक यहाँ टिकने नहीं वाली है। एनीवे, मेरी कोल्ड कॉफी अभी के अभी मुझे तैयार चाहिए। हाँ मैम, अभी। रघु, तुमने देवर जी का लंच बॉक्स पैक किया कि नहीं? हाँ गौरी भाभी, तैयार है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। रघु, आज ना रोटियां तुम ही सेक लो, क्योंकि मेरी उंगली ना सूज गई है इस भारी अंगूठी की वजह से। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, आप ना ये अंगूठी निकाल दो, कहीं इस अंगूठी के चक्कर में आपकी उंगली ही नहीं रही तो। तू भी ना कुछ भी बोलती है मेरी प्यारी देवरानी, वैसे तू मेरा कितना ख्याल रखती है और मेरी उंगलियों का भी। देवरानी नहीं दीदी, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, फिर मैं आपका ख्याल ही रखूंगी तो कौन रखेगा दीदी? आज एक साल बाद मैं अपनी बहन को देख रही हूँ, उसे तो ये पता भी नहीं है कि मैं उसकी ताई हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि इन एक सालों में प्राची आई बाबा से मिलने गई है भी या नहीं।